स्वागत है आपका और इस वक्त नमस्ते भारत में आपको बड़ी जानकारी दे दे। देखिए, आज से दो दिनों के लिए गृह मंत्री अमित शाह मिशन बिहार पर रहेंगे। इन दो दिनों के दौरान वो सीमांचल में ही रहेंगे और सीमांचल बिहार का वो इलाका है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यहां बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं की समस्या बहुत बड़ी है और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है अमित शाह के सीमांचल दौरे को। बिहार तो आतंकवादियों के लिए स्लीपर सेल बन गया। गृह मंत्री जी को बिहार में आने के लिए लालू जी और नीतीश जी से वीजा देना पड़ेगा क्या? आने का तो यही मकसद है ना, जो समाज में जहर बोला है। अमित शाह के दौरे से पहले ही सियासी जमात के इन तल्ख बयानों से अंदाजा हो गया कि सीमांचल फैक्टर क्या है और शाह के इस दौरे के क्या मायने। आपको इसकी बारीकी समझाएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए अमित शाह का कार्यक्रम क्या है। अमित शाह आज अपने सीमांचल दौरे का आगाज पूर्णिया की एक रैली से करेंगे जिसमें 1,00,000 से ज्यादा लोगों के जमा होने की उम्मीद जताई गई है। रैली के बाद गृह मंत्री किशनगंज के लिए रवाना हो जाएंगे जहां वो बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होंगे। लेकिन शाह के इस दौरे पर बिहार का सियासी पारा हाई है। हंगामा इस बात पर बरपा है कि अमित शाह बिहार क्यों आ रहे हैं और वो भी सीमांचल में जहां मुस्लिम आबादी का दबदबा है। बिहार तो आतंकवादियों के लिए स्लीपर सेल बन गया। अगर स्लीपर सेल नहीं होता तो पूर्वांचल के, जिसे सीमांचल भी लोग कहते हैं, स्कूलों में मजहबी छुट्टी क्यों होती? आने का तो यही मकसद है ना, जो समाज में जहर बोना है, एक दूसरे में झंझट पैदा करना है, बेकार की बातें करनी है, भूल जुलूल बात करेंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पहले ही अपनी पार्टी और कार्यकर्ताओं को आगाह कर चुके हैं, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। सीमांचल बिहार का वो इलाका है जो नेपाल, पश्चिम बंगाल और झारखंड से सटा हुआ है। इस सीमांचल में बिहार के 4 जिले आते हैं, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार। पूरे सीमांचल में मुस्लिम आबादी करीब 46% है। इनमें किशनगंज 68%, कटिहार में 44%, अररिया में 43% और पूर्णिया में 38% मुस्लिम आबादी है। यही वजह है कि बीजेपी को इस इलाके में पटखनी मिलती रही है। इसलिए राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अमित शाह ने साल 2024 के चुनाव का बिगुल फूंकने के लिए इस इलाके को चुना। देखिए, अमित शाह के इस दौरे से पहले इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं, किशनगंज से अभिषेक उपाध्याय और पूर्णिया से नीरज पांडे। पूर्णिया में अमित शाह जनसभा भी करने वाले हैं। नीरज, सबसे पहले ये बताइए कि इस दौरे को लेकर इतनी खलबली क्यों मची हुई है, मायने कैसे समझे, बीजेपी संदेश क्या देना चाह रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार चल रही थी थोड़े दिन पहले तक और अब दोनों की राहें अलग हो चुकी हैं। निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं अमित शाह, जब कहीं जाते हैं तो हलचल अपने आप ही हो जाती है। और जहां पे मैं खड़ा हूं, दरअसल ये सीमांचल का इलाका है, पूर्णिया से लगा हुआ पश्चिम बंगाल है और इस इलाके में आमतौर पर माना जाता है मुस्लिम बाहुल इलाका है, बहुत सारे बड़ी संख्या में यहाँ मुस्लिमों की तादाद है। ऐसे में जेडीयू और आरजेडी इसे अपना वोट बैंक मानते हैं और ये मानते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत यहाँ हो सकती है और यही जगह है जहाँ पर अमित शाह ने अपना रण क्षेत्र चुना है। और बिहार की जो शुरुआत होने जा रही है वो इसी इलाके से होने जा रही है क्योंकि यहाँ डिमांड भी बहुत दिनों से चल रही कि इस पूरे इलाके, सीमांचल के इलाके को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए ताकि लोगों को जो राज्य सरकार से जो फायदा मिलने वाला है वो जो अभी नहीं मिल रहा है उसका फायदा सीधे तौर पर केंद्र से मिल सके। और कहीं ना कहीं घुसपैठ, आतंकवाद और अलगाववाद को लेकर भी एक बड़ा मुद्दा है जो अमित शाह बार बार मंचों से उठाते रहे हैं और इस इलाके में उसकी वानगी देखी जा सकती है। हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय ने कल एक स्पेशल रिपोर्ट भी इसमें पेश की जिस पर वो देखा गया कि लोगों में इस बात का दर्द है कि जिस इलाके में उनका रहना चाहिए, जो फायदा उन्हें मिलना चाहिए, उसका फायदा यहाँ घुसपैठ और अलगाववादी लोगों को मिलता है। और यही कारण है कि कल जब पीएफआई
के BFI पर छापेमारी हुई ईडी और ईडी की, तो उस समय पूर्णिया में भी PFI के दफ्तर पे छापेमारी हुई। तो आपको मैं दिखाता हूँ जिस जगह में खड़ा हूँ, ये दरअसल विशाल पंडाल अमित शाह की रैली की तैयारियां पूरी है, इंतजार अमित शाह का है। आप रहे हमारे साथ, देखिए अभिषेक उपाध्याय भी हमारे सहयोगी किशनगंज से मौजूद है। अभिषेक, आपके रिपोर्ट लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, आगे भी दिखाएंगे, जो कुछ उसमें आपने बातें पॉइंट आउट की है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उस पर नजर डालना। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर अमित शाह के इस दौरे को लेकर इतनी खलबली क्यों मची हुई है, क्यों अलग अलग तरह के बयान दिए जा रहे हैं कि अमित शाह या बीजेपी की जो सरकार है वो कोशिश कर रही है यूटी में तब्दील करने की सीमांचल को, और एक तरीके से खासकर RJD की बात करें तो ये कहा जा रहा है माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, ये सारी बातें हो रही हैं और ये बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि सीमांचल का जो पूरा जो उसका महत्व है, जो उसकी लोकेशन है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। सीमांचल में जो चार ज़िले आते हैं जिनका अभी नीरज जिक्र कर रहे थे, इसके साथ में बंगाल का जो इलाका सटा हुआ है, आप अलीपुरद्वार की बात करें, उत्तरी दिनाजपुर की बात करें, कूच बिहार की बात करें, दार्जिलिंग की बात करें, वहाँ से लेकर के शुरुआत होती है और ये जो सीमांचल के इलाके हैं, तो सीमांचल के अलावा और जो बंगाल का इलाका, ये सब मिला करके ये कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा एंट्री गेट बन चुका है। ये एंट्री गेट रोहिंग्याओं का है, ये एंट्री गेट अवैध बांग्लादेशियों का है, और ये एंट्री गेट नेपाल और बांग्लादेश का बॉर्डर है, तो वहाँ से जो फ्लो आता है ये उनका एंट्री गेट बन चुका है। तो इसीलिए राजनीति यहाँ से गरमा रही है। BJP को लगता है कि ये सारे जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे दो राज्यों को एक साथ पकड़ते हैं, एक बंगाल को और दूसरा बिहार को, और ये 2024 के लिए BJP के लिए बड़ा स्टेक पॉइंट है, और इसीलिए RJD और JDU की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। जी अभिषेक, बहुत धन्यवाद आपका और नीरज आपका, लगातार नजर बना करके अपडेट लेते रहेंगे। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे दोनों सहयोगी आपको जानकारी दे रहे थे, और ग्राउंड जीरो से ही हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय ने सीमांचल के किशनगंज से एक रिपोर्ट भेजी है जिसमें घुसपैठ के जिंदा सबूत है, आपको वो दिखाते हैं। अमित शाह दो दिनों तक सीमांचल के किशनगंज में ठहरेंगे, जहां से बांग्लादेश की सीमा सिर्फ 17 किलोमीटर दूर है। दावा है कि इसी बॉर्डर से घुसपैठियों की बाढ़ आती है, इसलिए हकीकत जानने के लिए ABP की टीम भी बॉर्डर के पास के इलाकों में पहुंची। ये भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर है, जो फेंसिंग आपको दिखाई पड़ रही है, हम पहुंच गए हैं सीमांचल से सटे हुए भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर, और इस समय के जो सवाल हैं उन सवालों की तपिश सीधे तौर पर यहां महसूस की जा सकती है। थोड़ी दूर चलने के बाद हमारी मुलाकात चाय बागान के मालिक दुलाल चांद सिंह से हुई। उन्होंने बांग्लादेश से होने वाले घुसपैठ पर कई चौंकाने वाले खुलासे किए, आप भी सुनिए। जब बांग्लादेश में बहुत तंग हो रहा था हिंदुओं के ऊपर में, उस टाइम में ज्यादातर आके भाग के बैठा है और आकर के बैठा हुआ है। हाँ बैठा हुआ है, अभी यहाँ पे आधार कार्ड राशन कार्ड सब कुछ बनवा ले लिया, यहाँ का एकदम प्रॉपर लीगल नागरिक। देख के लगेगा नहीं कि इधर का है कि उधर का है, देख के लगेगा ही सर, क्योंकि हम लोगों का उन लोगों का बहुत फर्क है। लेकिन कागज सब पूरे कर लिए हैं? कागज पूरे हो गए, आधार कार्ड भी, वोटर ID भी है। जी सर। हमारा अगला पड़ाव था ठुकरा बाड़ी गाँव। चिकन नेक के नाम से मशहूर इलाके के इस हिस्से में रहने वाले लोग भी घुसपैठ से परेशान है। चर्चा चलती है कि बांग्लादेशी आ जाते हैं, इधर रहते हैं, रोहिंग्या रहते हैं, अब कुछ नहीं आता, कोई नहीं आता, अब वहाँ के वहीं सुखी हैं, यहाँ के यहीं सुखी। पहले आते थे? पहले आते थे, पहले जब तारू नहीं लगा हुआ था तब आते थे, अब नहीं आते कुछ। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट TV पर। ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।